सर आपको क्या लगता है जवान जो भी रिकॉर्ड बनाएगी वो रिकॉर्ड टाइगर 3 तोड़ पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर 3 के लिए बहुत नॉर्मल सी बात है इसका जवान का रिकॉर्ड ब्रेक करना, क्योंकि भैया जवान में तो सिर्फ शाहरुख खान है, ठीक है जी जी। और कुछ कैमियोस की बात हो रही वो होंगी, बाकी अगर टाइगर 3 की बात की जाए तो भाई टाइगर 3 में हमें सलमान खान, कैटरीना कैफ तो है ही, और साथ साथ हमें खुद शाहरुख खान भी देखने को मिलेंगे और ऋतिक रोशन भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सभी को पता है कि वो स्पाई यूनिवर्स की मूवी है, ठीक है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो वॉर 2 आएगी तो उसमें शाहरुख खान और सलमान खान दोनों देखने को मिलेंगे। भाई स्पाई यूनिवर्स के नाम पे जो यशराज फिल्म बैनर है वो अपनी इंडियन सिनेमा को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाहती है, तो इसलिए मैं गारंटेड, मेरे को 100% ऐसी गारंटी लग रही है, मतलब मैं दे सकता हूँ ऑडियंस को कि जो टाइगर 3 आएगी तो वो जवान का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देगी, क्योंकि उसमें शाहरुख खान और सलमान खान और ऋतिक रोशन तीनों होंगे, ये चीज़ है, तो इसलिए वो फिल्म कमाएगी, बहुत ज्यादा कमाएगी, मेरा सब पर्सनली मानना है। अच्छा, आपको सिर्फ इसी वजह से लग रहा है कि रिकॉर्ड बनाएगी? हाँ, क्योंकि बहुत देखिए पैन इंडिया लेवल की फिल्म है और उसका बजट भी बहुत ज्यादा है, और प्लस ये थर्ड पार्ट है टाइगर सीरीज का, ठीक है, और दोनों ही फिल्मों ने बहुत बड़े बड़े कलेक्शंस किए थे, और ये भी पता चल रहा है कि भाई टाइगर 3 का अब जो रिसेंट में पोस्टर आया था तो उसमें लिखा भी था साफ साफ कि आफ्टर वॉर और पठान की सक्सेस के बाद टाइगर 3 रेडी है, तो इन चीज़ों को देख के लग रहा है कि जवान का आसानी से रिकॉर्ड तोड़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू।